फिक्र कभी तब्दील नहीं होती, अकीदा कभी बदलता नहीं, ठीक है। रवैया बदल सकता है, रवैया बदल सकता है। आप समझे, ज्यादा मौजूम बात यह है, तो बुजुर्गी में जाके बंदा थोड़ा पोलाइट हो जाता है और थोड़ा वो उसमें जैसे लीन कहते हैं ना, और अरबी में उसको लयिन कहते हैं, और सरकार पर मैं लयिन हयिन और सहल और करीब, ये चार सिफतें जिस बंदे में होती हैं, तो ये भी सही हदीस है कि रसूल पाक का इरशाद है, अल्लाह ताला ने ऐसे मोमिन पर दोजख जहन्नुम हराम कर दी जिसमें ये चार सिफात आ जाए। लेकिन इकामत दीन के मसले में लयिन हयिन क्या है, वो और बात है। जाहिदिल कुफार वल मुनाफिकीन वगलुज अलैहिम, तो कोई पलट के कहता जी वगलुज अलैहिम तक कभी हुक्म सुना है, अब कहते हो हयिन लयिन, ये आपने प्रोग्राम बदल लिया है ना। जहां उसका महल है वहां अभी भी वगलुज अलैहिम है, और जहां उसका महल नहीं है वहां मोमिन है, वो बिल्कुल हल्का फुल्का सहल, और कोई उसकी फुंकार नहीं होती, लोग उससे बिल्कुल करीब से राबता कर सकते हैं, बात कर सकते हैं उसके साथ, और वो पोलाइट ही होता है, नरम ही होता है, होना चाहिए, ये उसकी सिफत है, ठीक है। कभी गलती से कोई अगर सख्ती से भी बात करता है तो भी उसको रुजू करता है, वापस आना चाहिए, मोमिन की यही शान है।